ने 8 साल पहले 2009 में एक MOU किया था हमारे पार्टनर्स के साथ इटली से, सिर्फ सोचते हुए ये कि हमें बहुत सारी तकनीक को औद्योगिक तरीके से आगे बढ़ाना है। संगठन बनाकर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया स्तर पर चल रहे हैं। कंपनीज ने यहाँ पर ग्रुप फार्मिंग ऑलरेडी लॉन्च कर दिए, कस्टम हायरिंग सेंटर बन रहे हैं, सरकार की पॉलिसीज़ हैं काफ़ी, 50-60 कस्टम हायरिंग सेंटर्स वो लेकर आ रहे हैं आने वाले समय में, अगले मेरे ख्याल से 3-4 साल में आप चेंजेस देखेंगे। इस कैंपस में कृषि मशीनरी के क्षेत्र में जो गतिविधियां हैं उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, यह 3 दिन का आयोजन कृषि उपकरण प्रदर्शनी द्वारा दुनिया भर में नवीनतम कृषि प्रदर्शनी एवं उपकरण के प्रदर्शन के अतिरिक्त इस आयोजन में दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों, राष्ट्र के नीति निर्माताओं, गणमान्य व्यक्तियों, कृषि मशीनरी एवं उपकरणों के उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का इस सम्मेलन ने एक अवसर प्रदान किया है। यह खुशी की बात है कि भारतीय कृषि मशीनरी क्षेत्र में विशेष रूप से ट्रैक्टर के उपयोग में जो वैश्विक टेक्नोलॉजी है उसके साथ तालमेल बनाए रखा है। Think that I can run the customer hiring center on its own, probably we will stumble and fall. But if we collectively, whether the seed companies come together, the chemical fertilizers company come together, the mechanized companies come together, the entrepreneurs come together, the farmers' need is very well understood and articulated, the processing companies also need to be together. Only then we can think of quality at every stage. And we can look at the quality results. एग्रीटेक फेयर अटेंड करता रहता हूँ, वहाँ पे मैं जॉन्डियर के स्टॉल काफ़ी देखे, वो वहाँ पे मेरे को जॉन्डियर के प्रोडक्ट जो ट्रैक्टर हैं उसके मॉडल भी ज़्यादा, और देखने से मेरे को इसमें टेक्निक भी ज़्यादा बढ़िया लगी दूसरे ट्रैक्टरों से। हमारी कंपनी फाल्कन गार्डन टू स्क्वायर लिमिटेड जो हमने आज से कोई अराउंड 27 साल पहले शुरू की थी, जो हमारे बड़ों ने शुरू की थी, हमारे फादर साहब, हमारे चाचा जी जो MD हैं इसके, सरदार SP सिंह जी, और मेरे पिताजी हैं सरदार गुरदीप सिंह जी, और हमारे ताया जी सरदार बलबीर सिंह दुआ जी, इन्होंने शुरू की थी। एंड उस टाइम पे उनका मोटिव जो कंपनी स्टार्ट करने का ये था कि हम जो पीछे से बेसिकली हम भी एक फार्मर ही हैं और हमारी अपनी ही फार्मिंग की लाइन थी, हम फार्मिंग ही करते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि हम लोग जो भी ये लोग हमें जो बताते हैं कि जब ये फार्मिंग करते थे तो इनको सबसे पहले ये सोचना पड़ता है फार्मिंग करने के लिए कि वो कठिनाई वाले उस टाइम पे औजार अवेलेबल होते थे जिनको यूज़ करना बड़ा कठिन होता था। मैकेनाइजेशन पे ऊपर वर्क चल रहा है जैसे गांव में, क्योंकि अब फार्मर छोटा होता जा रहा है, ठीक है, उनके पास ज़मीनें कम होती जा रही हैं, तो और जो इसलिए उस पर भी हमने क्या किया है, हम मैकेनाइज पावर वीडर, पावर टिलर, और क्या नाम है, ब्रश कटर, वीड कटर्स वगैरह, ये सब कुछ पूरी रेंज हमने इंट्रोड्यूस की है जिसके साथ उनको फार्मर्स को और फ़ायदा हो सके। हम लोग लैंड प्रिपरेशन इम्प्लीमेंट से लेके हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट तक बनाते हैं। कंपनी 1996 से जुड़ी हुई है जो एग्रीकल्चर मशीनरीज बनाने में। सबसे पहले मेरे फादर ने हरियाणा के अंदर टिपिंग टाइप ट्रॉली का निर्माण किया, जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे पहली ट्रॉली मेरे फादर ने डेवलप कराई थी। उसके बाद हम लोगों ने डेनमार्क से एक कल्टीवेटर मंगवाया था जिसको फोर्ड मॉडल कल्टीवेटर कहते हैं, तो उसका हमने फिर निर्माण शुरू करा। या एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोडक्शन ऑफ फूड इज टुडे इन द वर्ल्ड
one of the main things to do. And the equipment you can have today in the field, there are very active, very positive, and what you have to do is to improve the possibility of being better production and more production. हम लोग ये काम लगभग पिछले 40 साल से हम पोटैटो का मैकेनाइजेशन कर रहे हैं और 30 साल से हम गन्ने पे काम कर रहे हैं. मतलब हमारा जो कंसंट्रेशन है केवल दो ही चीज पर है, आलू और गन्ने का. और इसका जो मैकेनाइजेशन के लिए आलू के लिए हमने काफी काम किया है और इसमें हम 80 इंप्लीमेंट हमारे पास में आलू के हैं. नौ साल से किसानों के लिए लेजर गाइडेड लैंड लेवलर बना रहा हूँ और मैंने ये लेवलर मेरे किसानों के लिए बड़ा प्रॉफिट है. अगर आदमी खेती करता है तो मैं समझता हूँ जब तक उसकी ज़मीन प्रॉपर लेवल नहीं है तो उसको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल रहा. अगर आपकी ज़मीन लेवल है तो आप इससे वीड्स कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट कर सकते हैं, काफ़ी इससे फ़ायदे हैं. किसानों के लिए फ़ायदेमंद मशीनरी हम लेके आए हैं. जैसे हमारी नई लॉन्चिंग कंबाइन करतार 4000 है, एसी कैबिन में हमने निकाली है और इसमें और काफ़ी खूबियां हैं. स्टेनलेस स्टील की चादर इसमें यूज़ करी गई है और किसान के फ़ायदे के लिए इसमें ग्रेन लॉसेज नहीं होते, ग्रेन ब्रेकेज नहीं होता, कई तरह की और बेनिफिट्स इस मशीन में हमने डाले हैं. आज का भारतीय किसान भी जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले में, यूरोप के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले के अंदर मैकेनिज्म के ऊपर फोकस कर रहा है. मैकेनिज्म के फोकस करने से क्या होता है कि यील्ड बेटर होती है, आउटपुट अच्छा रहता है. और एक ही किसान जो है जैसे पहले जितनी मेहनत करके आउटपुट लेता था, आज मैकेनिज्म करने से कम मेहनत के ऊपर उसका आउटपुट बहुत स्ट्रांग हो जाता है. शक्तिमान कंपनी विश्व में सबसे ज़्यादा रोटरी टिलर बनाने वाली कंपनी है, नंबर वन कंपनी. और इस समय जो है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, हम लोग इंडियन कृषि के लिए बहुत ज़्यादा नए नए इम्प्लीमेंट्स लेकर आ रहे हैं. और हमारी कंपनी की बेस लाइन भी है मेकिंग एग्रीकल्चर मोर इकोनॉमिकल, उस बेस स्ट्रेटजी पर हम काम करते हैं. यहाँ पे हमने आईमा में हमारा 7th जनरेशन है वो लॉन्च किया है. अकेला ट्रैक्टर ही नहीं लेकिन ट्रैक्टर के साथ इम्प्लीमेंट, आज की डेट पे मोबाइल में जैसे स्मार्टफोन आने की वजह से सॉफ्टवेयर भी इतने इम्पोर्टेंस हो गए, वैसे ही ये नया मिनी ट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट है. हम एग्री मशीनरी में वर्ल्ड लीडर हैं. हमारा इंडिया आने का मकसद है कि हम यहाँ के फार्मर के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या कर सकते हैं. हमारा उद्देश्य यही है कि हम यहाँ के किसानों को अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड कर सके जो उनके लिए मददगार हो उनकी कई प्रॉब्लम के लिए. टैफे कंपनी जो अपने मॉडल निकालती है वो हिंदुस्तान में जहाँ भी है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है और चाहे साउथ है, क्षेत्र की कृषि के अनुसार प्रोडक्ट को निकाला जाता है. और हमारे प्रोडक्ट्स 30 हॉर्स पावर से लेकर के 60 हॉर्स पावर तक हिंदुस्तान में हम देते हैं. अगर हम कृषि यंत्रों की बात करें तो नई से नई तकनीक रोज़ लेके आ रहे हैं, जैसे कि रोटावेटर हो गए. अब रोटावेटर के अंदर भी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस बन गई हैं. सबसे बड़ी दिक्कत जो आज की डेट में आ रही है कि हम फार्मर्स को भी अब फार्मिंग जो है आसान चाहिए,
आसान इन द सेंस हम चाहते हैं कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। इसी तरीके से हमने एक यहाँ पे रोटो सीडर डिस्प्ले किया हुआ है, जिसमें नीचे रोटावेटर लगा हुआ है, उसके ऊपर सीड ड्रिल लगा हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में हमारा जो फेमस प्रोडक्ट है, जो स्ट्रॉ रीपर है, ये भूसा बनाती है, जो बीट का फसल होता है आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद इसका प्रयोग होता है। मैकेनाइजेशन यानी जो यांत्रिक उन्नति होती है उस पर काम किया है हम लोगों ने। 15 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, जो कि एक छोटा किसान जो एक छोटी खेती करता है उसके लिए हमने ट्रैक्टर बनाया है, 15 हॉर्स पावर का युवराज 215, जो कि छोटी लैंड होल्डिंग्स के लिए है, जो लोग अपना हॉर्टिकल्चर बागवानी करना चाहते हैं उनके लिए ट्रैक्टर है। हमने उसके बाद 30 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर बनाया है, 85 हॉर्स पावर तक जो अर्जुन नोवो है हमारा लेटेस्ट। ये मशीनें हमने लाई हैं, ये पैडी ट्रांसप्लांटर 14, पैडी ट्रांसप्लांटर 26, जो कि ट्रांसप्लांटिंग करते हैं धान का। हम मशीनों का प्रदर्शन करते हैं ताकि किसानों को नवीनतम जानकारी के बारे में पता चल सके कि इस तरह की मशीनें हमारे देश के अंदर उपलब्ध है। ये प्रदर्शन जो है मुख्य तौर पे अभी जितने भी आदर्श गांव है उन गांव के अंदर जो है ये प्रदर्शन किए जाते हैं। बहुत सी नई टेक्नोलॉजी ऐसी भी हैं विदेशों की जो कि हम इंडिया में भी लेके आ रहे हैं, जिससे जो मैन पावर है उसका यूज़ कम रहेगा और उसमें हम मैकेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान उसका हम दे पाएंगे। '46 से था कि कैसा मशीन लाया जाए जो गेहूं और धान को काट के उसका बंडल बनाया जाए, वो सपना लोगों का किसानों के लिए BCS कंपनी ने पूरा किया। ये मशीन एक घंटे में लगभग 1 एकड़ गेहूं काट के बंडल बांध देती है। एग्रीकल्चर कंपनी है मेनली और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऑटो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारे 4 मेन डिवीज़न हैं जिसमें से एक हमारा एग्रो प्रोडक्ट्स है जो ट्रैक्टर्स के लिए जाना जाता है बेसिकली। उसके बाद हमारे पास रेलवे इक्विपमेंट डिवीज़न है और स्पेयर पार्ट्स डिवीज़न है और ऑटो प्रोडक्ट्स डिवीज़न है। यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं हम, जो हमने गैरेज को प्रोडक्टिव अप करने के लिए कुछ नए इक्विपमेंट्स हमने डेवलप किए हैं। जैसे वर्कशॉप के अंदर आज मैन पावर का एक सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, तो हम कम मैन पावर में एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कम समय में बेटर क्वालिटी की सर्विस दे सकते हैं कस्टमर को, उसके लिए हमने इक्विपमेंट्स डिज़ाइन किए हैं। हमारी कंपनी गियर पार्ट्स बनाती है हर तरह के, ट्रैक्टर के, रोटावेटर के, और ये है कि हम 5-6 रोटावेटर को स्पेयर पार्ट्स देते हैं, बाकी किसान एक बार लगा जाता है तो भूल जाता है लगाने के बाद, हमारा माल कोई ना टूटता है और बहुत उपयोगी है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, ना फिटमेंट की, ना चलने में, ना कोई दिक्कत नहीं है। लोग बी बेल्ट्स और फैन बेल्ट्स बनाते हैं और इस एग्जीबिशन में लगातार दूसरी बार आए हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है ये एग्रीकल्चर मशीनरीज में बहुत ही उपयोगी है,
और ये थ्रेसर्स में लगता है, हार्वेस्टर कंबाइन मशीन्स में लगता है, रिपर्स में लगता है। और जो हमारी बेल्ट एंड की खसूसियत यह है कि इसकी पावर रेटिंग्स जो है बहुत अच्छी होती है, तो किसान का ईंधन का खर्चा बहुत कम आता है। स्प्रेयर वगैरह हम बनाते हैं, काफ़ी सालों से हम लोग स्प्रेयर बना रहे हैं और काफ़ी सरकार अच्छे अच्छे कामों में जो भी सब्सिडी में ये किसान लोग लेते हैं। तो हमने इस साल हमने एक नया स्प्रेयर निकाला है, ये सोलर वाला जो सौर ऊर्जा से चार्ज हो सकता है। यहाँ पे अभी जो रिसेंटली हमने न्यू डेवलप किया था वो मेशलर था, ठीक है, जो साउथ जाता है हमारा, साउथ और एक्सपोर्ट करते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। इसकी जो प्राइस कॉस्ट है वो बहुत लो कॉस्ट का प्रोडक्ट है। हमारी अलग अलग रेंज है, डीके चैंपियन 120 डीआई मॉडल है, उसकी 2 लाख प्राइस है एमआरपी जो कस्टमर के लिए, किसान लोगों के लिए। सेकंड मॉडल है 165 मॉडल, उसकी प्राइस है 255 है। तीसरा मॉडल है 240 डीआई मॉडल, उसकी है 325। और लास्ट मॉडल है जो हमारा फोर व्हील ड्राइव मॉडल जो 280 डीआई मॉडल, उसका है 4 लाख के आसपास। हर साल एक नया मशीन हम तैयार कर रहे हैं, जैसे कि शुरुआत हमने थ्रेशर से की थी, हम सिर्फ गेहूं और बाजरा के लिए थ्रेशर बनाते थे, फिर धीरे धीरे हमने उसमें मल्टी क्रॉप वर्जन लाए, उसके बाद हमने सॉइल प्रिपरेशन में रोटावेटर से शुरू किया। तो रोटावेटर हम 3 फीट से लेकर 10 फीट तक के रोटावेटर आज की तारीख में हम बनाते हैं, जो कि चैन ड्राइव और गियर ड्राइव में होते हैं। उसके बाद हमने पोटैटो के लिए पोटैटो प्लांटर बनाने शुरू किए, पहले सिर्फ गुजरात में हमारा डीलिंग होता था, धीरे धीरे हमने गुजरात के बाद पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी में हम लोग डीलिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे हमने फ्रांस, इटली, श्रीलंका और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया है। तकनीकी के साथ जो सेद वगैरह किया जाता है वो ही नहीं है, उसमें एक छोटी सी चीज अगर हम लोग समझ लिया तो बस हमारा प्रॉब्लम दूर होगा और आगे जाके अपना फ्यूचर को अपन सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा चीज़ों में ये मशीन्स काम आएंगे। ये एक ऐसा मशीन है, ये लिंसे का होस रिल जो है, इस ये आपको नॉर्मली फ्लड इरिगेशन का टाइम में 1 लाख लीटर लगता है 1 एकड़ के लिए अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन इसको यूज़ करने से आप 20,000 लीटर से 1 एकड़ को आपका मतलब यू कैन स्प्रे इट अराउंड।